पलवल के गांव मलाई और मंडकौला में स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की है। इस अवसर पर उनके साथ जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और हतीन से विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि मेव और गुर्जर समाज में पटा ही क्या है, हम सभी आपस में भाई भाई हैं। मेवात की जनता की पूर्व मंत्री अवतार सिंह भड़ाना को फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से 3 बार मंत्री बनाने में अहम भूमिका रही है। मेवात की जनता अब की बार कृष्णपाल गुर्जर को भी अजमा कर देख लें। वह हतीन विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी आगे भी नहीं आने देंगे और मेवात की जनता उनके 10 साल के कार्यकाल को भी देख चुकी है और मेवात की जनता के साथ कभी भेदभाव नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। गुर्जर का कहना है कि मेवात की जनता के बीच में बड़ी उम्मीद से आए हैं, उन्हें भरोसा है कि इस चुनाव में मेवात की जनता उन्हें तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से मंत्री बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देगी। इस अवसर पर ग्रामीणों द्वारा कृष्णपाल गुर्जर का फूलमाला और पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। पहली बात उम्मीद लेके आया हूँ और बड़ी उम्मीद से आया हूँ। फैसला देखिए, हमसे ज्यादा बड़ा भिखारी दुनिया में कोई नहीं। अब आपने भीख डालनी है नहीं डालनी है ये आपकी मर्जी, लेकिन एक वादा जरूर करता हूं, एक बार मुझे अजमाएंगे आप तो कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आपने इन 10 सालों में मेरे को देखा होगा, कोई भाई कह दे हमने कोई गांव में पार्टीबाजी की हो, कोई बदले की भावना से काम किया हो, किसी का नुकसान किया हो इन 10 सालों में, फिर तो मैं गुनाहगार हूं। तो इसलिए भाई, सरपंच साहब बैठे हैं, हमारे चौधरी रफीक जी बैठे हैं, सब मणि तीन बार लेकिन देखिए, सरपंच साहब ने कहा तीसरी बार भी, देखिए बिल्कुल ठीक कहा, बढ़ूंगा तो तीसरी बार मैं ही, ये बता रहा हूँ आपको, जैसे पत्थर पर लकीरें लिखा हुआ है तीसरी बार भी मैं ही बनूंगा, उसमें आपकी हिस्सेदारी मांगने आया जो सरपंच साहब, उसमें आपकी हिस्सेदारी रहनी चाहिए, वो उम्मीद लेके आया। बताओ करोगे ना हिस्सेदारी इस बात पर? मैं भी ईमान से कहता हूं अपना फर्ज पूरा निभाऊंगा, आपको निराश नहीं होगा। सही बात है मंत्री साहब, मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। जो इकबाल है मेरे बड़े भाई इकबाल मलाई, मैं उनका छोटा भाई हूँ। अवतार सिंह भड़ाने के साथ में हमारी पूरी लाइफ बीत गई, पूरी लाइफ उसी के साथ बीत गई और दिल और जान से उनके लिए हम मेहनत करते थे। वो था एक मदारी डुगडुगी बजाने वाला, उसको तो हमने भेज दिया बहुत दूर। ये मलाई मलाई नहीं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, रुपड़िया पाल की तरफ से, उठावड़ की तरफ से, डाक बच्चा की तरफ से, आपको सबसे आगे जिता के भेजेंगे इंशाअल्लाह। जो भाई ने कहा है ना, जिस विश्वास से, उसी विश्वास से मैं कह रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद मुड़कर नहीं देखना, सारा काम मेरा है उसके बाद। और आप मेरी बात जानते ही हैं, मैं अपनी जबान का बहुत पक्का हूँ और मैं मजबूत भी बहुत हूँ। चौटाला चीफ मिनिस्टर था, आपने सुना होगा, मैं कभी मौका नहीं, पूरा 10 साल लड़ा हुआ, इसलिए मैं भी यारों का यार हूँ। और आप जानते हो अब मुझे और मेव में फर्क भी क्या ही बता, कोई फर्क है क्या भाई? एक गुर्जर तो चला गया, दूसरा आ गया ना, हमें एक बार जैसे उसको तो कई कई तीन चार बार थोपते थे, एक बार या छोटे पिलर भी लेके देख लो, एक बार देख लो।
उसके बाद आपको शिकायत का मौका नहीं, शिकायत का मौका मैंने अभी भी दिया, लेकिन जो आप चाहोगे वो करूंगा, इतनी ताकत मैं रखता हूँ, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ।